अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की। इन्हें पिछले एपिसोड के अहम शदीद जख्मी देखा गया। ग्राइगुन ने सुल्तान और सलाहुद्दीन को जख्मी किया। दोस्तों यहाँ पर सलाहुद्दीन को पकड़ लिया जाएगा और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पानी में गिर जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर नूरुद्दीन जंगी कैसे बचेंगे और सलाहुद्दीन कैसे बचेगा। दोस्तों आप लोगों ने ट्रेलर का एक सीन देखा होगा, इसमें इस्मत खातून सलाहुद्दीन के सिपाही को बचाती है। यकीनन वो इनको बचाएगी और सलाहुद्दीन और सुल्तान की तरफ बढ़ेगी। ये सभी मिलकर सुल्तान को बचाएंगे। सलाहुद्दीन ने पानी में छलांग लगाई, इससे यही लगता है कि वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पानी से निकाल लेगा और बचा भी लेगा। और मेरे ख्याल में वहीं पर इस्मत खातून आएगी और ग्राइगुन पर हमला करने की कोशिश करेगी और उसके बाद सुल्तान को किसी गुफा में ले जाया जाएगा ताकि सुल्तान को बचाया जा सके। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शदीद जख्मी हो चुके हैं और सबको यही लगेगा कि वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन एक मंसूबा तैयार किया जाएगा जिसके तहत सुल्तान सबके सामने नहीं आएंगे, यानी छुपे रहेंगे। इस वक्त तक सामने नहीं आएंगे जब तक लद्दार सामने न आ जाएं, यानी कि कारा तेगन और पीर मदूद, और फिर सुल्तान वापस आएंगे और इन दोनों का हाथ मंगाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस सब के बारे में आप क्या राय हैं? आपकी जो भी राय हो अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।